मौसम वैज्ञानिक आर आर त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि गर्म हवाओं और सूरज के तीखे तेवर के कारण मध्य प्रदेश में कई जगह लू के हालात बन गए हैं। उन्होंने बताया कि होशंगाबाद, खरगोन, राजगढ़, रायसेन, छतरपुर, सतना, खंडवा, दमोह, शाजापुर और छिंदवाड़ा में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। ईएमएस टीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दो दिन के बाद प्रदेश के लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। मौसम की बात करें तो एक सिस्टम साउथ वेस्ट राजस्थान में ऊपरी हवा का चक्रवात वहाँ पर बना हुआ है, तो उसके प्रभाव से जो है अपने यहाँ भी है कुछ वर्षा की गरज चमक के साथ गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और आज जो हमने जिन जगहों में जो वार्निंग इशू करी है हीट वेव की, वो है होशंगाबाद, खरगोन, राजगढ़, रायसेन, छतरपुर, सतना, खंडवा, दमोह, शाजापुर, छिंदवाड़ा। इन जिलों में कहीं कहीं पर जो है हीट वेव की संभावना दिखती है और गरज चमक के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसकी संभावना जो अपने को चंबल डिवीज़न में और ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, इन जगहों में ऐसी संभावना दिखती है। हमें आज की बात करें तो आज कितना पारा जाएगा, लोगों को कब तक निजात मिलेगी इस गर्मी से? अभी अभी आज और कल इससे अपने को कोई विशेष निजात नहीं मिलने की संभावना दिखती है। कल के बाद जो है हल्की रेनफॉल एक्टिविटी के बाद अपने को टेम्परेचर में कुछ राहत से महसूस होगी। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।